अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का लतीफ़ा। महल्ले की मस्जिद के मौलवी साहब मस्जिद के स्पीकर पर ऐलानात की सूरत में तशहीरी काम भी कर लिया करते थे। मसलन कभी किसी बावर्ची, कभी किसी पंखे बनाने वाली कंपनी, कभी किसी छुरियाँ बनाने वाले कारखाना और कभी किसी नए नाई का ऐलान। मुनासिब हदिया लेकर मौलवी साहब गैर महसूस अंदाज में नमाज के बाद स्पीकर पर दरख्वास्त का ऐलान फरमा दिया करते थे। एक बार शहर के सिनेमा में गालिबन मुनव्वर ज़रीफ़ की कोई नई फिल्म लगी। सिनेमा का मालिक मौलवी साहब से वाकिफ़ था, लिहाजा पहले शो से कबल मौलवी साहब से फ़िल्म के बारे में ऐलान करने की दरख्वास्त कर दी। मुनासिब मुआवजा भी पेश कर दिया। मौलवी साहब कुछ देर सोचते रहे कि भला मस्जिद के स्पीकर से फ़िल्म का ऐलान कैसे होगा, और फिर इत्मीनान से कहा, ऐलान हो जाएगा। रात में ईशा की नमाज़ पढ़ाई, जज्बाती दुआ करवाई और फिर माइक पर आकर गोया हुए। इंसान बहुत खसारे में है। अब देखो, तुम सब ने नमाज़ पढ़ी, दुआ मांगी, लेकिन मस्जिद से बाहर जाते ही फौरन रात 9 बजे वाला शो देखने की तैयारी शुरू कर दोगे, क्योंकि आज मुनव्वर ज़रीफ़ की नई फिल्म का पहला शो जो है, और फिर इतवार को दोबारा देखने चले जाओगे, क्योंकि इतवार को 4 शो होते हैं। अफसोस सद अफसोस। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को इसी तरह की मज़ेदार वीडियोज़ देखने के लिए। जज़ाकअल्लाह।